हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, ये ईस्टमैन का चार्जर है, देख सकते हैं आप। इसमें जो ये रेड एलईडी है ना, फॉल्ट वाली, ये जल रही थी फॉल्ट में। तो इसमें था क्या कि इसमें पानी घुसने के कारण या जो भी हो, डस्ट से बहुत सारे इसमें ट्रैक डैमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्रिंट, इसको पूरा प्रिंट बनाया, सोल्डरिंग डालकर वायर से पूरा प्रिंट बनाया। उसके बाद यहाँ से एक वायर जो लिया हमने, ये 48 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस लगे थे, यहाँ देख सकते हैं हमने इस पर रेजिस्टेंस लगाया। यहाँ पे 100 100 के का दो रेजिस्टेंस सीरीज करके लगा दिया। वो रेजिस्टेंस SMD वाला था, वो ख़राब था, मेरे पास SMD वो ख़त्म था, 200 के का रेजिस्टेंस ख़त्म था। तो ये 200 हमने पूरा दिया 100 100 का दो लगा कर, ठीक है, देख सकते हैं। अब मैंने 100 का दो रेजिस्टेंस लगा कर इसे सेट रेडी कर दिया। लेकिन अब है क्या कि अब वीडियो बनाने जब बैठे तो जस्ट वीडियो स्टार्ट होते ही लाइट कट गई। आपको चालू करके दिखाते, ये सेट रेडी हो गया। यहाँ से हमने 48 वोल्ट उठाकर उस रेजिस्टेंस पे दिया और सीरीज करके वो IC के पास जा रहा है, यानी कि उसको इनेबल कर रहा है। सिस्टम को सेंस करने के बाद यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें परफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। यही ईस्टमैन का चार्जर है, ये UTL का चार्जर जो हमारे पास रिपेयर होता है, ये ईस्टमैन वाला कॉमन AC का। ये कंट्रोलर अभी आया था, ये रिपेयर हो चुका है। ये अभी दो चार्जर के बोर्ड हैं, एक ये एक्जूम है, एक माइक्रोटेक है, वो भी रिपेयर करना है। उसका कंट्रोलर सब देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोलर भी रिपेयर के लिए अभी है, 2-3 कंट्रोलर नीचे भी है, और भी सारा काम हो रहा है यहाँ पे। और चार्जर सब और भी हैं जो रिपेयर के लिए आए हैं, मोटर वगैरह सब रिवाइंडिंग की गई है अभी, देख सकते हैं। और भी सारा काम अभी बाकी है करना, मोटर है, चार्जर है, कंट्रोलर है। अभी इस पर ग्लू से, जैसे ग्लू गन से हमने इस पर ग्लू डाला ही था इस पर कि ख़त्म हो गया, लाइन कट गया, तो इस पर लाइन कटने के कारण इसे रोक दिया हमने काम को पूरा भी। तो आपको चालू करके दिखाती हूँ पूरा सिस्टम इसका ऑन कर। ये मोटर हमने कंट्रोलर पे चेक करने वाला, मोटर मेरा शो है, एक्सेलेटर कंट्रोलर, ये अभी बनाए, रिपेयर किया, कस्टमर आएगा चेक करके देंगे उसको, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिपेयरिंग की वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।